अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो एसटीसी पे के मुतालिक है कि कैसे हम अपने मुल्क में पैसे भेज सकते हैं और कैसे न्यू बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने एस टी सी पे को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसमें लॉगिन हो। लॉगिन होने के बाद इंटरनेशनल ट्रांसफर पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास जो यूजर ऐड है, अगर आप चाहते हैं उसको डिलीट करें तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने का क्या तरीका है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। यहाँ बेनिफिशियरी डिटेल पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है डिलीट बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें दोबारा से। ये यूज़र आपका बेनिफिशियरी डिलीट सक्सेसफुल। अब ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक करें और यहाँ आपने अपना फुल नेम देना है जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा होता है। अज़र महमूद नाम लिखने के बाद आपने दूसरा जो ऑप्शन है रिलेशनशिप, उसमें आप फ्रेंड्स कुछ भी देख लें और यहाँ पे आपने कंट्री का नाम देना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू कैश पिकअप या आपने अकाउंट पे भेजने हैं। तो हमने वेस्टर्न यूनियन को ऐड किया है और कंटिन्यू पर क्लिक करें और प्रेफर्ड करेंसी वो पाकिस्तानी रुपीज़ में ऐड होगी। तो यहाँ पे वो दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिसीवर है उसका आपको पता है कि कौन सी उसकी नेशनलिटी क्या है। तो यकीनन हमें मालूम होता है क्योंकि हम जिसको पैसे भेज रहे हैं तो हमने, अगर वो पाकिस्तानी है तो यहाँ हमने पाकिस्तान को ऐड करना है। नेक्स्ट जो पूछ रहा है कि रिसीवर जिसने पेमेंट लेनी है उसकी एज क्या है। तो अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे उसकी एज को ऐड कर दें। अगर नहीं भी पता, नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कोई मसला नहीं है, कंटिन्यू हो जाएगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। थैंक यू, आपका बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। अभी एसटीसी वालों की तरफ से कॉल आएगी। कॉल आने के बाद कंफर्मेशन के लिए आपने 1 को प्रेस करना है। जब आप 1 को प्रेस करेंगे तो आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। तो हम 1 को प्रेस करते हैं। अभी आप वापस बैक पे जाएं तो आपका बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। ये आपका बेनिफिशियरी, अभी इस आप ट्रांसफर मनी पर क्लिक करेंगे। अगर आप उसको पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं या आपने सऊदी रियाल में या पाकिस्तानी रुपीज में, जिसने भी जितने ऐड करना चाहे आपकी मर्जी, आप ऐड कर सकते हैं। तो इंक्लूड फीस नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपकी फीस जो इसी में ऐड हो जाए तो उसने उस हिसाब से आपके अकाउंट से ऐड कर देनी है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम। टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ज़रूर चेक करना है और कंटिन्यू पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ट्रांसफ़र समरी आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल। और ये कलेक्शन पॉइंट पे वेस्टर्न यूनियन और एक्सचेंज रेट आपको शो हो रहा है, अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है और वैट और ट्रांसफ़र फीस, ये सारी डिटेल आपको शो हो रही है। तो आपने कंफर्म पर क्लिक करना है तो आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी।
ये एक और ऑप्शन आ रहा है, इसको भी आपने एग्री करना है। जो रूल्स हैं सऊदी अरब के, उस रूल्स को हमने फॉलो करने हैं। तो आई एग्री पर हम क्लिक करते हैं। मदर के साथ थोड़ा नेट स्लो है, तो हम आई एग्री पर क्लिक करता हूँ। तो अभी ये ओटीपी कोड आएगा आपके मोबाइल पर, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। सिक्स टू फाइव सिक्स। ये आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। आपको वहाँ पे आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ चुका है। तो हम डन पर क्लिक करते हैं। ये जो MTCN ये कोड आपने जिसको पैसे भेजे हैं उसको आपने ये शेयर करना है ये कोड, तो वो बैंक से जाके आप वो पेमेंट ले सकता है। तो ये आप जो कोड है ये पूरी डिटेल आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको एक लास्ट में फिर एक मैसेज आएगा दोबारा से पूरी डिटेल के, सेंडर नेम और रिसीवर नेम सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।